Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. So welcome back. आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम Amazon EFS को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. EFS stands for Elastic File System. इस वीडियो का एजेंडा है, हम क्रिएट करना सीखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप को, अलाउ करेंगे SSH पोर्ट और NFS पोर्ट्स को, क्रिएट करेंगे लिनक्स का EC2 इंस्टांस, क्योंकि जो EFS है ये सपोर्ट करता है सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्रिएट करना सीखेंगे EFS को, इंस्टॉल करेंगे EFS पैकेज को अपने Amazon लिनक्स के EC2 इंस्टांसिस पर, माउंट करेंगे इलास्टिक फाइल सिस्टम को अपने EC2 इंस्टांसिस पर और वेरीफाई करेंगे और अनमाउंट करेंगे हम इलास्टिक फाइल सिस्टम को. EFS एक फुली मैनेज्ड सर्विस है AWS क्लाउड पर, जिसको आप इजीली सेटअप और स्केल कर सकते हैं. स्केल का मतलब है कि आप साइज उसका कुछ भी डिफाइन नहीं करते, लेकिन आप जितना साइज यूज़ करना चाहें उतना आप साइज यूज़ कर पाएंगे. जितना आप उसे यूज़ करेंगे आपको सिर्फ उतना ही चार्ज देना होगा. लेकिन जब हम EBS यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि मैंने 10 GB का एक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्रिएट किया और उसके अंदर सिर्फ डाटा प्लेस किया 1 GB का, तो मुझे अमाउंट जो पे करना होगा वो करना होगा 10 GB के लिए पे. लेकिन मैंने यूज़ कितना किया, सिर्फ 1 GB. लेकिन अगर हम EFS फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं तो आप 1 GB का स्पेस यूज़ करेंगे तो आपको 1 GB का ही पे करना होगा, क्योंकि ये आपकी स्केलेबल सर्विस है. स्केलेबल का मतलब हुआ कि वो अपने आप ही इंक्रीज़ होगा साइज़, और अपने आप ही साइज़ उसका डिक्रीज़ होगा. तो आप जितना यूज़ करेंगे सिर्फ आपको उतना ही पैसा पे करना होगा. NFS फाइल शेयर को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं NFS वर्जन 4.1 प्रोटोकॉल का. EFS को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डाटा स्टोरेज के लिए. आप EFS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक वॉल्यूम मल्टीपल EC2 इंस्टांसिस में और अपने बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन्स में. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक EFS वॉल्यूम क्रिएट किया तो आप 1A, 1B और 1C के अंदर अपनी सेम EFS फाइल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ऐसी आपको सर्विस EBS ब्लॉक स्टोरेज नहीं प्रोवाइड करता. आप इसे माउंट करा सकते हैं अपने ऑन प्रीमाइसेस सर्वर के अंदर भी, लेकिन उसके लिए आपको या तो डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्शन क्रिएट करना होगा या आप यूज़ कर सकते हैं VPN कनेक्शन का. इलास्टिक फाइल सिस्टम अपने आप ही ग्रो करेगा और अपने आप ही श्रिंक करेगा जैसे ही आप डाटा को ऐड करते हैं या आप डाटा को रिमूव करते हैं. आप एक EFS फाइल सिस्टम को अपने एक EC2 इंस्टांस से लेके 1000 EC2 इंस्टांसेस तक मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में कनेक्ट करवा सकते हैं. इसके लिए आप जनरल पर्पस या मैक्सिमम इनपुट आउटपुट दोनों का यूज़ कर सकते हैं और SSD का भी यूज़ कर सकते हैं. आप अपने डाटा स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में, जो कि आपका एक ही रीजन में रहेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने मुंबई रीजन चूज़ किया तो मुंबई रीजन में आपको 3 आपके अवेलेबिलिटी जोन मिलते हैं, 1A, 1B एंड 1C. आप तीनों में ही उसे यूज़ कर पाएंगे. इसके लिए आपको माउंट टारगेट्स और चूज़ करना होगा अवेलेबिलिटी जोन को, जहां पर भी आप अपने EFS फाइल सिस्टम को माउंट करवाना चाहते हैं. अब मान लीजिए कि अगर आप अपने सिस्टम में EFS को यूज़ ना करें तो आप इसे कैसे करते थे अपने ऑन प्रीमाइसेस कंप्यूटर में. तो आपके पास होता था एक सैन यानी कि एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क. इस स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है उसको हम अटैच करते थे यानी कि माउंट कराते थे अपने लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में, और लिनक्स में हम कॉन्फ़िगर करते थे NFS को यानी कि नेटवर्क फाइल सर्वर को. उसके बाद जो हार्ड ड्राइव्स आपके पास इस सिस्टम में अवेलेबल है उसको हम अटैच करते थे अपने मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ. AWS के अंदर जो EFS सर्विस है वो आपके इस SAN को और इस NFS दोनों को कंबाइन करके ही
इलास्टिक फाइल सिस्टम आपका क्रिएट हुआ है, यानी कि वो इन दोनों का कम्बिनेशन है। आप सिर्फ माउंट कराएंगे अपने EFS फाइल सिस्टम को अपने सिस्टम्स में, और वहाँ पर आप अपने डाटा को जैसे आप प्लेस करना चाहें, सेव करना चाहें, वैसे आप कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, यानी कि आपके पास है एक NAS। NAS आपका एक डिवाइस होता है, इस डिवाइस के अंदर आपकी नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल होती हैं। इन हार्ड ड्राइव्स को आप अपने नेटवर्क के थ्रू, यानी कि लैन कार्ड के थ्रू अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं वाया SMB। SMB यानी कि शेयरिंग का यूज़ करके। NAS आपका एक फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम है, जिसके अंदर हम अपने डाटा को सेव करते हैं स्मॉल नेटवर्क के यूज़ के लिए। स्मॉल नेटवर्क का मतलब हुआ कि अगर आपको पता है कि आपके नेटवर्क में ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर 4 TB का मान लो आपने NAS अटैच किया, तो आपके नेटवर्क में जो डाटा अवेलेबल होगा वो सिर्फ 4 TB का ही रहेगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता। उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं NAS स्टोरेज का। EFS को आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक अवेलेबिलिटी जोन है, उस अवेलेबिलिटी जोन में आपने EC2 इंस्टांस को क्रिएट किया, एक और अवेलेबिलिटी जोन लिया, उसके अंदर भी आपने EC2 इंस्टांस को क्रिएट किया, क्रिएट किए 2 फोल्डर्स एक लोकेशन पर जहाँ पर आप अपने EFS फाइल सिस्टम को माउंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट करना होगा एक EFS, और इस EFS को आप माउंट करवा सकते हैं अपने इन दोनों EC2 इंस्टांसेस में जो कि डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये अवेलेबिलिटी जोन है आपका 1A और ये आपका अवेलेबिलिटी जोन है 1B। और अगर आपके पास ऑन प्रीमाइसेस क्लाइंट यानी कि आपके नेटवर्क के अंदर एक मशीन अवेलेबल है ऑन प्रीमाइसेस में, इसके अंदर भी आप अपने EFS को माउंट करवा सकते हैं। अब आप डायग्राम से समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक रीज़न है, रीज़न यानी कि एक मुंबई रीज़न है, उस मुंबई रीज़न में आपने अपना एक VPC क्रिएट किया। VPC आपका एक आइसोलेटेड रीज़न है AWS क्लाउड पर, जहां पर आप अपने इंस्टांसेस को सिक्योरिटी प्लेस करा सकते हैं। आपने EC2 इंस्टांस को क्रिएट किया अपने एक अवेलेबिलिटी जोन में, एक और इंस्टांस को क्रिएट किया अपने अनदर अवेलेबिलिटी जोन में, और दोनों के अंदर आपने अपने EFS फाइल सिस्टम को माउंट करवा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि इस इंस्टांस को एक्सेस करता है आपका HR डिपार्टमेंट, और इस इंस्टांस को एक्सेस करता है आपका सेल्स डिपार्टमेंट। कुछ काम इन दोनों के कॉमन है, तो आप इन दोनों को एक कॉमन ड्राइव प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि HR वाला भी आपके इस EFS के अंदर फाइल्स को प्लेस करें, और सेल्स वाला उन फाइल्स को एक्सेस कर सके, और सेल्स वाला जो फाइलों को प्लेस करे उसे HR वाला यूज़र एक्सेस कर पाए। यानी कि एक कॉमन ड्राइव की तरह आप EFS फाइल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम डायग्राम है, आप VPC पेयरिंग का यूज़ करके अगर आपके पास 2 VPC अवेलेबल हैं सेम रीज़न में, मान लो आपका मुंबई रीज़न है, मुंबई रीज़न में आपने अपने 2 VPC क्रिएट किए, VPC 1 और VPC 2। अब आपके दोनों VPC के अंदर तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट कर लें अपने दोनों VPC में, तो आप अपने सभी EC2 इंस्टांसेस के अंदर सेम इलास्टिक फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो होगा आपका NFS प्रोटोकॉल यूज्ड, लेकिन EFS सर्विस आपकी अवेलेबल रहेगी सिर्फ लिनक्स इंस्टांसेस के लिए, ये विंडोज़ को या किसी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपके पास ऑन प्रीमाइसेस के अंदर सिस्टम अवेलेबल है, इसके अंदर भी आप अपने EFS फाइल सिस्टम को एक्सेस करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास VPN कनेक्शन या डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम EFS फाइल सिस्टम को कैसे AWS क्लाउड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लैब को सेटअप करने से पहले हम दोनों में डिफरेंस जानते हैं इलास्टिक फाइल सिस्टम
और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के बारे में जो हमें AWS क्लाउड पर अवेलेबल होता है। मैंने यहाँ पे एक रीज़न लिया है, मुंबई रीज़न। आप कोई सा भी रीज़न ले सकते हैं। मुंबई रीज़न में हमें मिलते हैं 3 अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन एक ऐसी लोकेशन है AWS क्लाउड पर जहाँ पर आप अपने इंस्टांसिस को प्लेस कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी जोन है बाय डिफ़ॉल्ट मुंबई रीजन में 1A, 1B और 1C। अब मान लो कि मैंने अवेलेबिलिटी जोन 1A के अंदर मल्टीपल EC2 इंस्टांसिस को प्लेस किया, सेम मैंने 1B के अंदर EC2 इंस्टांसिस को प्लेस किया और C के अंदर भी मैंने कुछ EC2 इंस्टांसिस को प्लेस कर दिया। ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो मैंने EC2 इंस्टांसिस को प्लेस किया, ये तीनों होने चाहिए आपके लिनक्स के इंस्टांसिस। अब मैंने एक अमेज़न EFS फाइल सिस्टम को क्रिएट किया, तो आप इन तीनों डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो अवेलेबल आपके इंस्टांसिस हैं उनको आप सेम EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी कि स्टोरेज मिल जाएगा सेम टाइमिंग में। तीनों अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो भी आपके यूज़र्स अवेलेबल होंगे वो सेम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसे प्लेस कर सकते हैं। और अमेज़न EFS फाइल सिस्टम आपका एक डायनेमिक स्टोरेज है। डायनेमिक स्टोरेज का मतलब हुआ कि जब आप इसे यूज़ करेंगे, यानी कि जब आप इसमें डाटा को प्लेस करेंगे, तो इसका साइज़ अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आप डाटा को रिमूव कर देंगे तो इसका साइज़ अपने आप ही डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अमेज़ॉन के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि अगर आप सेम स्टोरेज को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही अवेलेबल सभी इंस्टांसिस को EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस होगी दो। फर्स्ट चॉइस आपकी होगी आप मल्टीपल इंस्टांसिस को सेम EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप मल्टीपल EC2 इंस्टांसिस जो आपके सेम अवेलेबिलिटी जोन में हैं उनको आप सेम EFS स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज यानी कि EBS वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो आपके होने चाहिए सेम अवेलेबिलिटी जोन में। तो अगर मान लो कि आपने एक इंस्टांस के अंदर EBS वॉल्यूम को माउंट किया, तो आपको इस EC2 इंस्टांस से उस स्टोरेज को डिसमाउंट करके माउंट करवाना होगा आपके सेकेंड इंस्टांस के अंदर। तो आपका डाटा जो होगा वो A इंस्टांस से B इंस्टांस में पहुंच जाएगा, लेकिन आपका जो अवेलेबिलिटी जोन है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट होगा तो आपका EBS वर्क नहीं करता। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है सिर्फ Amazon EFS स्टोरेज के अंदर। अब इसे हम प्रैक्टिकली लैब परफॉर्म करके देखते हैं कि हम इस सिनेरियो को कैसे सेटअप कर सकते हैं और सेकेंड सिनेरियो को भी हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। EFS लैब को सेटअप करने के लिए हमें लॉगिन करना होगा अपने AWS रूट अकाउंट से। रूट अकाउंट को लॉगिन करने के लिए हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को। गूगल ओपन होने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे AWS लॉगिन, सर्च किया। सर्च करने के बाद हम फर्स्ट लिंक पर जाएंगे Amazon वेब सर्विसेज साइन इन ऑप्शन पर। देन हमारे सामने ये AWS का रूट अकाउंट पेज ओपन होगा। हमें सबसे पहले लॉगिन करना है रूट यूज़र से। रूट यूज़र से लॉगिन होने के लिए हम एंटर करेंगे अपना मेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अपना मेल आईडी, नेक्स्ट पे क्लिक करा। यहाँ पर हम एंटर करेंगे अपना पासवर्ड, देन साइन इन। साइन इन करने के बाद हमारे सामने कई बार AWS का मार्केट प्लेस का ये स्क्रीन ओपन होता है, लेकिन हमें जाना है AWS के कंसोल पेज पे। कंसोल पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे अपने नेम पर, देन योर AWS कंसोल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। AWS का कंसोल होम पेज ओपन हो गया। अभी मैं हूँ यहाँ पर मुंबई रीजन में, लेकिन मैं अपनी EFS लैब को सेटअप करूँगा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में।
तो रीजन को चेंज करने के लिए क्लिक करेंगे मुंबई रीजन पर और क्लिक करेंगे अपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। आप किसी भी रीजन के अंदर अपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। AWS का कंसोल होम पेज ओपन हो गया और मैं हूं अभी नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। EFS को कॉन्फ़िगर करने के से पहले हमें कॉन्फ़िगर करना होगा अपने सिक्योरिटी ग्रुप को। सिक्योरिटी ग्रुप आपको मिलता है EC2 सर्विस के अंदर, तो क्लिक करेंगे EC2 सर्विस पर। EC2 डैशबोर्ड ओपन हो गया, हमें जाना है सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन में। तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाने के लिए हम इसे करेंगे यहाँ से स्क्रॉल और यहाँ पर हमें नेटो सिक्योरिटी में ऑप्शन मिल रहा है सिक्योरिटी ग्रुप का, तो क्लिक करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑप्शन पर। सिक्योरिटी ग्रुप में जाने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, लेकिन मुझे क्रिएट करना है अपना एक कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन पर। यहाँ पर हम एंटर करेंगे अपने सिक्योरिटी ग्रुप का नाम, मैं सिक्योरिटी ग्रुप का नाम देता हूँ SG EFS। स्क्रॉल किया, अभी आपके पास इनबाउंड रूल में कोई भी रूल अवेलेबल नहीं है। EFS सिर्फ सपोर्ट करता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं SSH प्रोटोकॉल का। तो हमें सबसे पहले ऐड करना होगा यहाँ पर SSH को, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम SSH यानी कि सिक्योर शेल। इसका पोर्ट नंबर होता है 22। सोर्स में हम सिलेक्ट करेंगे एनीवेयर IP वर्जन 4। इसके बाद हमें ऐड करना होगा NFS के पोर्ट नंबर को, तो क्लिक करेंगे वापस ऐड रूल ऑप्शन पर। कस्टम में हम यहाँ पर टाइप करेंगे NFS, सिलेक्ट किया, इसका पोर्ट नंबर है 2049। सोर्स में हम सिलेक्ट करेंगे फिर से एनीवेयर IP वर्जन 4। ये दोनों इनबाउंड रूल्स आपको ऐड करने होंगे अपने सिक्योरिटी ग्रुप में, तभी आप EFS को एक्सेस कर पाएंगे अपने लिनक्स इंस्टांसेस में। स्क्रॉल किया, बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड रूल्स के अंदर ऑल ट्रैफिक होता है आपका अलाउड, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। देन स्क्रॉल करने के बाद क्लिक करेंगे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन पर। यहाँ भी आपके पास मैसेज आ रहा है कि आपको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर टाइप करना होगा, तो मैं यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ SG EFS। आप कोई भी नाम दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आप उसे किस चीज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे हो गया क्रिएट। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमें क्रिएट करने होंगे EC2 इंस्टांसेस अपने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में। तो इंस्टांस को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे इंस्टांसेस के अंदर इंस्टांसेस ऑप्शन पर। अभी मेरे पास इस रीजन में कोई भी इंस्टांस अवेलेबल नहीं है, पहले हम क्रिएट करेंगे इंस्टांस को। इंस्टांस को क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टांसेस ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आपके इंस्टांस का नेम, तो मैं इसका नाम देता हूँ EC2 EFS 1। स्क्रॉल किया, एप्लीकेशन एंड OS इमेज यानी कि AMI इमेज को मैं रहने देता हूँ डिफ़ॉल्ट Amazon लिनक्स, या आप कोई भी लिनक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके रहने देता हूँ Amazon लिनक्स। स्क्रॉल किया, इंस्टांस टाइप को हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट फ्री टियर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कीपेयर लॉगिन का, क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू कीपेयर ऑप्शन पर। कीपेयर का मैं नाम देता हूँ यहाँ पे EC2 EFS 1। स्क्रॉल किया, क्रिएट कीपेयर, कीपेयर आपका डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ क्लोज। स्क्रॉल किया, नेक्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क सेटिंग्स का, तो हम जाएंगे एडिट ऑप्शन में। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है आपका VPC। तो अभी मैंने कोई भी कस्टम VPC क्रिएट नहीं किया, तो इसको मैं रहने दूंगा डिफ़ॉल्ट।
यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा आपका सबनेट। तो यहाँ पर मेरे पास 6 सबनेट अवेलेबल हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो फर्स्ट इंस्टांस को मैं क्रिएट करूँगा अपने अवेलेबिलिटी जोन 1A में। तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से US ईस्ट 1A अवेलेबिलिटी जोन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑटो जाइन पब्लिक आईपी का, इसको हम रहने देंगे इनेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फायरवॉल के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप का, तो सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया था तो हम सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को, और यहाँ पर आपको वो सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा जो अभी आपने क्रिएट किया था। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्रिएट किया था SGEFS के नाम से, तो इसे हम करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, स्क्रॉल किया, बाकी ऑप्शन हम रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करा तो ये आपका इंस्टांस हो गया लॉन्च, इंस्टांस क्रिएट हो गया। एक्सेस करेंगे इंस्टांस आईडी से, इंस्टांस क्रिएट हो रहा है, तब तक हम एक और इंस्टांस क्रिएट करते हैं अपने दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में। तो फिर से जाएंगे लॉन्च इंस्टांसेस ऑप्शन पर, यहाँ पर हम एंटर करेंगे अपने इंस्टांस का नेम। तो मैं इंस्टांस का नेम रखता हूँ EC2 EFS 2, स्क्रॉल किया, AMI इमेज को हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट Amazon Linux, स्क्रॉल किया, इंस्टांस टाइप भी डिफ़ॉल्ट, कीपर हमें क्रिएट करना होगा, लेकिन आप पुराने कीपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कीपर द्वारा ही क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट न्यू कीपर, कीपियर का हम नाम देंगे यहाँ पर EC2 EFS 2, स्क्रॉल किया, क्रिएट कीपियर, कीपियर आपका डाउनलोड हो गया, इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास नेटवर्क सेटिंग्स का, तो इसे हम करेंगे यहाँ से एडिट। नेटवर्क सेटिंग में फर्स्ट है VPC, तो VPC मैंने कोई भी कस्टम क्रिएट नहीं किया, तो उसको हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। अब मैं यहाँ पे सबनेट सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से US East 1B, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट लैब परफॉर्म करूँगा जहाँ पर मैं डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर सेम EFS फाइल सिस्टम को माउंट करवाऊँगा। तो यहाँ से लिया मैंने US East 1B। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास AutoZone पब्लिक आईपी का, इसको मैं रहने दूंगा इनेबल। नेक्स्ट है फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है, उसी सिक्योरिटी ग्रुप को मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा अपने EC2 इंस्टांस के साथ। सेलेक्ट किया SGEFS, स्क्रॉल किया, बाकी ऑप्शन रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। लॉन्च इंस्टांस, इंस्टांस क्रिएट हो गया, एक्सेस करते हैं अपने इंस्टांस को विद द हेल्प ऑफ इंस्टांस आईडी। सेकंड टैब को मैं ऐसे कर देता हूं क्लोज, इस इंस्टांस आईडी को मैं ऐसे कर देता हूं क्लोज, ताकि आपको जितने भी आपके इस रीजन के अंदर EC2 इंस्टांसेस अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट यहां पर शो हो जाए। फर्स्ट इंस्टांस मेरा क्रिएट हो गया, आपको पता लगता है स्टेटस चेक से, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिले 2x2 चेक स्टेटस पास, तो आपका इंस्टांस क्रिएट हो चुका है। अब हम पहले अपने फर्स्ट इंस्टांस को एक्सेस करके देखते हैं। एक्सेस करने के लिए मुझे चाहिए इसका पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिक आईपी एड्रेस का, तो इस पब्लिक आईपी को यहाँ से करेंगे कॉपी, इसको यहाँ से करते हैं मिनिमाइज। एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर ओपन करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट को, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए हम ओपन करेंगे रन डायलॉग बॉक्स विद द हेल्प ऑफ विंडो आर की का यूज़ करके। यहाँ पर हम टाइप करेंगे CMD, ओके पे क्लिक करा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमें जाना होगा उस लोकेशन पर जहाँ पर हमारी पैम फाइल अवेलेबल है, तो पैम फाइल मेरी अवेलेबल है डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे CD स्पेस डाउनलोड्स, एंटर किया, DIR कमांड टाइप करते हैं, तो ये हमारी पैम फाइल। तो मुझे सबसे पहले एक्सेस करना है अपने फर्स्ट इंस्टांस को, तो यहाँ पर हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे SH
स्पेस EC2 हाइफन यूजर एट द रेट पब्लिक IP जो मैंने कॉपी किया स्पेस हाइफन आई स्पेस EC2 हाइफन EFS1.pem एंटर किया। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम टाइप करना होगा यस, तो मैंने टाइप किया यस, एंटर किया, तो इंस्टांस आपका हो गया एक्सेस। इस इंस्टांस को मैं रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए हमें सबसे पहले स्विच करना होगा अपने रूट यूज़र पे, तो यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे sudo स्पेस su, एंटर किया। रीनेम करने की कमांड है होस्ट नेम CTL स्पेस सेट होस्ट नेम, होस्ट नेम मैं देता हूँ EFS1, एंटर किया। देन हमें एग्जीक्यूट करनी होगी बैश कमांड, तो टाइप किया बैश, एंटर किया, तो आपके इंस्टांस का नेम चेंज हो गया EFS1। कंट्रोल L की प्रेस कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। अब हम एक्सेस करेंगे अपने सेकेंड इंस्टांस को। इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए मुझे फिर से ओपन करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट को, तो विंडो प्लस R, टाइप करेंगे CMD, एंटर किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस कर देता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसके कलर को हम कर देंगे चेंज। तो कलर में गया, तो इसका बैकग्राउंड में कलर कर देता हूँ ब्लू, ओके पे क्लिक करा। अब जब आप इसके ऊपर कमांड टाइप करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा चेंज। तो फिर से चलते हैं डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी में, तो CD स्पेस डाउनलोड्स, DIR कमांड को एंटर किया। अब मुझे चाहिए ये PEM फाइल, लेकिन इससे पहले हमें चाहिए हमारा पब्लिक IP। तो पब्लिक IP के लिए हम वापस चलेंगे अपने AWS कंसोल पे। तो यहाँ पे अभी भी इनिशियलाइजिंग आ रहा है, इसे यहाँ से करते हैं एक बारी रिफ्रेश। सेकेंड इंस्टांस भी आपका क्रिएट हो गया। एक्सेस करते हैं इस इंस्टांस को, तो यहाँ से कॉपी करेंगे अपना पब्लिक IP, मिनिमाइज किया। यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे sh स्पेस EC2 हाइफन यूजर एट द रेट पब्लिक IP स्पेस हाइफन आई स्पेस PEM फाइल का नाम है EFS EC2 हाइफन EFS2.pem, एंटर किया। यहाँ पर हम टाइप करेंगे यस, तो हमारा इंस्टांस हो गया एक्सेस। इस इंस्टांस को भी मैं कर देता हूँ रीनेम। तो रीनेम करने से पहले हमें जाना होगा रूट यूज़र पे, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे sudo स्पेस su, एंटर किया। कमांड है हमारी होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, होस्ट नेम में देता हूँ EFS2, एंटर किया। एग्जीक्यूट करेंगे बैश कमांड का, कंट्रोल L की प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने दोनों इंस्टांसेस को कर लिया एक्सेस। इंस्टांसेस को एक्सेस करने के बाद हम वापस चलेंगे अपने AWS कंसोल पे, तो AWS कंसोल पे आ गया। EFS फाइल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हम वापस चलेंगे अपने फर्स्ट टैब में, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे EFS तो आपके सामने EFS आ गया। इस लिंक पर हम करेंगे क्लिक, तो आपका EFS ओपन हो जाएगा। क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट फाइल सिस्टम ऑप्शन पे। यहाँ पर हमें देना होगा अपने EFS फाइल सिस्टम का नेम, तो मैं इसे नाम देता हूँ EFS हाइफन FS, यानी कि EFS फाइल सिस्टम। VPC हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। हम क्रिएट पे क्लिक करके अपने EFS फाइल सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं, या हम उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं।
तो अभी इसे मैं करता हूँ कस्टमाइज। तो जब हम इसके कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट है हमारे पास स्टोरेज क्लास का, स्टोरेज क्लास है हमारी अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। तो अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ दो अवेलेबिलिटी जोन, 1A और 1B। अगर आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को करना होगा सिलेक्ट। अगर आप सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन में अपने मल्टीपल EC2 इंस्टांसिस को EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को करते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास आ जाता है अवेलेबिलिटी जोन। आप यहाँ से किसी एक अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस लैब सेटअप के अंदर मैं क्लिक करूँगा स्टैंडर्ड ऑप्शन पर, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स का। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप्स, तो ये इसे हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को भी मैं रहने देता हूँ डिफ़ॉल्ट, स्क्रॉल किया। बाकी ऑप्शंस को मैं रहने दूंगा डिफ़ॉल्ट, स्क्रॉल किया, नेक्स्ट पे क्लिक करा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएंगे आपके सभी माउंट टारगेट्स, यानी कि आपके अवेलेबिलिटी जोन्स। तो 1A, 1B, 1C, D, E, F सभी आपके हैं यहाँ पर अवेलेबल, लेकिन इस केस में मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ 1A और 1B अवेलेबिलिटी जोन को, तो बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से कर दूँगा रिमूव। तो मैंने यहाँ से सिर्फ रखे अवेलेबिलिटी जोन 1A और 1B। अगर आपके पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन है तो आप ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन को भी रख सकते हैं। सबनेट इसका डिफ़ॉल्ट रहेगा, IP अपने आप ही ये सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स का। सिक्योरिटी ग्रुप अभी ये ले रहा है डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैंने सिक्योरिटी ग्रुप स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, उसी सिक्योरिटी ग्रुप के द्वारा ही आप अपने माउंट टारगेट्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको चेंज करना होगा सिक्योरिटी ग्रुप को। सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज करने के लिए आप इसे यहाँ से करेंगे क्लोज, क्लोज कर दिया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दोनों सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके नज़र आएंगे, डिफ़ॉल्ट वाला और जो आपने क्रिएट किया। तो मैंने जो क्रिएट किया था वो था सिक्योरिटी ग्रुप EFS, तो इसको हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। 1B अवेलेबिलिटी जोन में भी इसी सिक्योरिटी ग्रुप को करना होगा सिलेक्ट, तो इसे भी यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट। देन नेक्स्ट पे क्लिक करा। यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी JSON पॉलिसी, तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ ऐसे ही। नेक्स्ट पे क्लिक करा तो ये आपको रिव्यू दे रहा है कि आपने ये चीज़ें सिलेक्ट करी हैं। IP एड्रेस ये अपने आप एक्सेस कर लेगा, स्क्रॉल किया और क्लिक करेंगे क्रिएट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ गया कि आपका फाइल सिस्टम हो गया क्रिएट। इस ID से ही आप अपने EFS फाइल सिस्टम को माउंट करवा पाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट ID है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ से कर देते हैं क्लोज, तो ये है आपका अवेलेबिलिटी जोन स्टैंडर्ड, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड ही चूज़ किया था वहाँ पे। और इसका साइज़ देखेंगे तो साइज़ है सिर्फ इसका 6KB का, लेकिन मैंने कहीं पर भी साइज़ को डिफाइन नहीं किया, ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है। EFS के अंदर जब आप डाटा को प्लेस करेंगे अपने EFS फाइल सिस्टम में तो इसका साइज़ अपने आप ही इंक्रीज होगा, जब आप डाटा को रिमूव कर देंगे तो इसका साइज ऑटोमेटिक हो जाएगा श्रिंक। तो मैं इस ऑप्शन पे करूँगा क्लिक अपने EFS फाइल सिस्टम पे। नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मैं जाता हूँ नेटवर्क ऑप्शन में। नेटवर्क ऑप्शन में यहाँ पे आपको नज़र आएंगे आपके अवेलेबिलिटी जोन, उसके IP एड्रेस, उसका नेटवर्क कार्ड और उसका सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिक्योरिटी ग्रुप आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसी सिक्योरिटी ग्रुप के द्वारा ही आपके इंस्टांसिस में EFS फाइल सिस्टम एक्सेस हो पाएगा। तो ये तो हमने सारा कुछ पहले ही प्री डिफाइंड कर लिया था, तो क्लिक करेंगे अटैच ऑप्शन पे। अटैच ऑप्शन के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, माउंट वाया DNS और माउंट वाया IP।
तो मैं यूज़ करता हूँ माउंट वाया DNS, तो इस कमांड को आपको करना होगा कॉपी, इसको किया मैंने कॉपी। अब इस कमांड को समझिए, माउंट माइनस टी ई एफ एस माइनस ओ टी एल एस, ये जो आपको यहाँ पर आईडी मिल रही है ये वही आईडी है जो मैंने बताया था कि ये आपकी इम्पोर्टेंट आईडी है, तो इसको मैं कॉपी कर चुका हूँ। तो इसको ऐसे करेंगे मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद आपको सबसे पहले अपने EC2 इंस्टांसिस में कुछ प्री रिक्वेस्ट्स को कंप्लीट करना होगा। प्री रिक्वेस्ट्स का मतलब है कि आप उसे कहाँ पर माउंट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर अपने EFS फर्स्ट EC2 इंस्टांस में, जहाँ पर आप अपने इस फाइल सिस्टम को माउंट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करूँगा mkdir स्पेस माइनस वर्बोस, फोल्डर का मैं नाम देता हूँ EFS1, और इसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपनी रूट डायरेक्टरी में। एंटर किया तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा Amazon EFS Utils की पैकेज को। पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आप पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे yum install -y, कंफर्मेशन के लिए Amazon EFS -utils, एंटर किया तो ये पैकेज आपका हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे उसी कमांड को कर दूंगा पेस्ट, जो मैंने अभी कॉपी की थी, पेस्ट कर दिया। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका है माउंट पॉइंट, तो यहाँ पर आपको वो लोकेशन प्रोवाइड करनी होगी जो आपने अभी फोल्डर क्रिएट किया EFS को माउंट करवाने के लिए। तो फोल्डर था मेरा स्लैश के ऊपर EFS1 के नाम से, एंटर किया। तो ये आपका माउंट हो गया। चेक कर सकते हैं आप कमांड का यूज़ करके। तो यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे df यानी कि डिस्क फ्री -ht, एंटर किया। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपका जो EFS है, जो कि NFS प्रोटोकॉल का यूज़ करता है वर्जन 4 का, ये आपका इस लोकेशन पर माउंट हो चुका है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर कुछ अपनी फाइल्स को क्रिएट करूँगा। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए मैं चलता हूँ उसी लोकेशन पर। तो टाइप करेंगे यहाँ पे cd स्पेस स्लैश EFS1, एंटर किया, कंट्रोल L की प्रेस कर देता हूँ। फाइल्स को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टच कमांड, टच स्पेस फाइल्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे EFS1 से लेके 5 तक .txt, एंटर किया, ll कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपकी 5 फाइल होगी क्रिएट। अब आपको अपने सेकंड इंस्टांस पर यानी कि EFS2, जो आपका डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में सिस्टम अवेलेबल है, यहाँ पर भी आपको सेम कमांड्स को एग्जीक्यूट करना होगा। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री कमांड पहले रन कर देता हूँ, एंटर किया। आपको सेम कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी होंगी। तो एक कमांड्स आ गई, इन कमांड्स को हम रन करेंगे अपने सेकंड इंस्टांस पे। तो फर्स्ट कमांड है हमारी mkdir -verbose, क्रिएट करता हूँ EFS2 के नाम से। तो फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। देन हम इंस्टॉल करेंगे Amazon EFS Utils पैकेज को। तो कमांड टाइप करेंगे yum install Amazon EFS-Utils -y। आप y को पहले भी अप्लाई कर सकते हैं और बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, एंटर किया, पैकेज इंस्टॉल हो गया। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमें इसी कमांड को यहाँ पे करना होगा पेस्ट। तो मैं वापस कॉपी करूँगा इस कमांड को, तो यहाँ से करेंगे इसे कॉपी,
मिनिमाइज किया, पेस्ट किया, यहाँ पर आपको देना होगा आपका माउंट पॉइंट। तो माउंट पॉइंट है मेरा स्लैश EFS टू नाम की डायरेक्टरी जो मैंने क्रिएट की थी, एंटर प्रेस किया तो ये आपका माउंट हो गया। चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ df स्पेस हाइफन ST कमांड का यूज करके, तो ये आपका EFS फाइल सिस्टम जो कि NFS फाइल सिस्टम का यूज करके माउंट हो गया। अब हम चलते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर, कंट्रोल L की प्रेस कर देता हूँ, cd स्पेस स्लैश EFS टू एंटर किया, ll कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो जो मैंने अपनी फर्स्ट इंस्टांस पे जो डाटा क्रिएट किया वो आपको मिल रहा है सेकंड इंस्टांस पे, यानी कि एक ही समय में आपके मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर जो भी EC2 इंस्टांसेस अवेलेबल होंगे वो एक दूसरे के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यही इसका मेन पर्पस है EFS फाइल सिस्टम का। आप मैक्सिमम अपने 1000 EC2 इंस्टांसेस के अंदर अपने सेम EFS फाइल सिस्टम को माउंट करवा सकते हैं। अब मैं सेकंड इंस्टांस के अंदर कुछ फाइल्स को क्रिएट करके उसे एक्सेस करते हैं अपने फर्स्ट इंस्टांस के अंदर। तो सेकंड इंस्टांस में हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे echo, मैसेज एक सेव करते हैं फाइल में, echo दिस प्रैक्टिकल इज फॉर मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस एक्सेस सेम डेटा। इसे मैं सेव करता हूँ फाइल के अंदर, फाइल का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे data.txt, एंटर प्रेस किया, रीड करते हैं इस फाइल को विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड, कैट स्पेस हाइफन n लगा लेता हूँ लाइन नंबर के लिए, फाइल का नेम है data.txt, एंटर किया तो ये लाइन आ गई। वापस चलते हैं अपने फर्स्ट इंस्टांस पे, जहाँ पर भी मैं कमांड एग्जीक्यूट करूँगा echo दिस इज फॉर टेस्टिंग, इसको मैं अपेंड करता हूँ अपनी सेम फाइल में, फाइल का नेम है data.txt, एंटर किया, सेम कमांड को अपने सेकंड इंस्टांस पे मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये लाइन यहाँ पर आपको मिल गई। यानी कि आप अपने फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर आकर अपने सेकंड इंस्टांस के अंदर जो आपने फाइल को क्रिएट किया उसके अंदर डाटा को राइट कर सकते हैं सेम रिवर्स। तो यहाँ पर भी मैं कैट कमांड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, कैट हाइफन एन, फाइल का नेम है data.txt, एंटर किया, वही लाइंस आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। होप सो आपको ये प्रैक्टिकल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। एक बारी मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ इस पूरे सिनेरियो को, कंट्रोल एल की प्रेस कर देता हूँ अपने दोनों इंस्टांसेस पे। तो मैंने क्या किया, एक लिया अपना रीजन, इस रीजन में मैंने क्रिएट किए अपने डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में इंस्टांसेस को, देन मैंने क्रिएट किया एक EFS फाइल सिस्टम और इस EFS फाइल सिस्टम को मैंने माउंट करवा दिया अपने दोनों EC2 इंस्टांसेस में, ठीक है। तो ये मेरा लैब सेटअप था। वापस चलता हूँ अपने AWS कंसोल पे। चलते हैं EC2 कंसोल पे। अब मैं यहाँ पे दो इंस्टांसेस और क्रिएट करके देखता हूँ अपने अवेलेबिलिटी जोन 1C में। तो क्रिएट करेंगे फिर से लॉन्च इंस्टांसेस, यहाँ पर मैं दूंगा अपने इंस्टांस का नेम, तो मैं इंस्टांस का नेम देता हूँ EC2 EFS 3, स्क्रॉल किया,
बाकी ऑप्शन में रहने दूंगा डिफॉल्ट अमेज़न लिनक्स इंस्टांस टाइप, कीपियर क्रिएट कर लेते हैं, कीपियर का नाम देता हूँ EC2 EFS 3 क्रिएट कीपियर, कीपियर आपका क्रिएट हो गया, क्लोज कर देता हूँ उसको। यहाँ से नेटवर्क सेटिंग को करेंगे, यहाँ से एडिट, अवेलेबिलिटी जोन में लेता हूँ यहाँ से 1C, तो 1C को मैंने सेलेक्ट किया। सिक्योरिटी ग्रुप मैं वही सिलेक्ट करूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, तो सिक्योरिटी ग्रुप था मेरा SG EFS। स्क्रॉल किया, लॉन्च इंस्टांस, इंस्टांस मेरा क्रिएट हो गया। इंस्टांस को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्टांस आईडी का यूज करके। सेकंड टैब को मैं कर देता हूँ क्लोज, एक और इंस्टांस क्रिएट करते हैं जब तक मेरा इंस्टांस क्रिएट हो रहा है, लॉन्च इंस्टांस। यहाँ पर हम एंटर करेंगे अपने इंस्टांस का नेम, तो इंस्टांस का नेम देता हूँ EC2 EFS 4। स्क्रोल किया, AMI इमेज रहने देंगे डिफॉल्ट अमेज़न लिनक्स, इंस्टांस टाइप भी डिफॉल्ट, की पेयर क्रिएट कर लेते हैं EC2 EFS 4 क्रिएट कीपियर, कीपियर आपका डाउनलोड हो गया, इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। नेटवर्क सेटिंग को करते हैं यहाँ से एडिट, सबनेट के अंदर मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा 1C अवेलेबिलिटी जोन को, क्योंकि मैं अब सेकेंड लैब सेटअप कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक ही रीजन के अंदर मल्टीपल इंस्टांसेस को सेम EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड करवाऊंगा। स्क्रॉल किया, सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे अपना जो मैंने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था SG EFS के नाम से। स्क्रॉल किया, लॉन्च इंस्टांस, इंस्टांस क्रिएट हो गया, एक्सेस करेंगे इंस्टांस आईडी पे क्लिक करके, फिर से टैब को कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। इस इंस्टांस आईडी को मैं ऐसे कर देता हूँ क्लोज ताकि आपको सभी इंस्टांसेस यहाँ पर शो हो जाए, तो यहाँ पे आपको शो होंगे आपके 4 इंस्टांसेस EFS 1, 2, 3 और 4। EFS 1 और EFS 2 के ऊपर हम लैब को सेटअप कर चुके हैं, अब मुझे लैब को सेटअप करना है EFS 3 और EFS 4 के लिए जो कि मेरे सेम अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है। तो मेरा जो EFS 3 है ये अवेलेबल है मेरा 1C अवेलेबिलिटी जोन में, और 4 भी मेरा अवेलेबल है 1C अवेलेबिलिटी जोन में। इसे यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, तो मेरे यहाँ पर चारों इंस्टांसेस हो चुके क्रिएट। अब हम अपने थर्ड इंस्टांस को जो कि मेरा अवेलेबिलिटी जोन 1C में है, और जो फोर्थ इंस्टांस मेरा अवेलेबिलिटी जोन 1C में है, इन दोनों को हम करेंगे एक्सेस। पहले मैं थर्ड इंस्टांस के पब्लिक IP को करूँगा यहाँ से कॉपी, तो यहाँ से मैं पब्लिक IP करता हूँ कॉपी, मिनिमाइज किया। इसी फर्स्ट प्रॉम्प्ट पर हम एक्सेस करेंगे अपने थर्ड इंस्टांस को, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको साइन आउट, प्रेस किया Ctrl D, Ctrl D, टाइप करेंगे एग्जिट, एंटर किया, तो आपका सेशन हो गया लॉग आउट। CLS कमांड को टाइप करेंगे, DIR कमांड को करता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट। अब हम अपने इस इंस्टांस को जिसकी पेम फाइल है EFS 3, इसको हम करेंगे एक्सेस, तो यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे SH स्पेस EC2-user @ public IP स्पेस -i स्पेस EC2-EFS3.pem, एंटर किया, टाइप करेंगे यस, इसको मैं कर देता हूँ रीनेम, तो कमांड टाइप करेंगे यहाँ पे sudo space su
होस्ट नेम CTL, सेट होस्ट नेम EFS3, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं दिया मैंने, EFS3 एंटर किया, डैश कमांड को करते हैं एग्जीक्यूट, कंट्रोल L, तो मेरा कंप्यूटर नेम चेंज हो गया EFS3। अब इसके अंदर भी हम सेम स्टेप को परफॉर्म करते हैं, पहले हम करते हैं एक डायरेक्टरी को क्रिएट, तो mkdir/EFS3 नाम से डायरेक्टरी को क्रिएट किया, पैकेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ yum कमांड, yum इंस्टॉल amazon EFS-utils-y, एंटर किया तो ये पैकेज हो गया मेरा इंस्टॉल। अब हम एक्सेस करते हैं अपनी फोर्थ इंस्टांस को भी, तो इसको भी यहाँ से कर देते हैं साइन आउट, तो कंट्रोल डी साइन आउट के लिए, टाइप करता हूँ यहाँ से एग्जिट एग्जिट, तो आपका सेशन हो गया क्लोज। कमांड टाइप करता हूँ CLS, कमांड एग्जीक्यूट करेंगे SH /EC2-user@, यहाँ पर मुझे चाहिए पब्लिक IP, तो पब्लिक IP के लिए वापस जाना होगा हमें AWS कंसोल पर, सिलेक्ट करेंगे अपने फोर्थ इंस्टांस को, यहाँ से कॉपी करेंगे अपना पब्लिक IP, मिनिमाइज किया, पेस्ट किया, -i temp फाइल का नाम है EC2-EFS4.temp, एंटर, टाइप करेंगे यस, मशीन को रीनेम कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, तो कमांड टाइप करेंगे sudo /su होस्ट नेम CTL, सेट होस्ट नेम EFS4, एंटर किया, बैश कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल L, डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ mkdir कमांड, -verbose EFS4, फोल्डर क्रिएट हो गया, पैकेज इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ yum कमांड, yum इंस्टॉल -y amazon-EFS-utils, एंटर किया तो पैकेज हो गया आपका इंस्टॉल। कंट्रोल L की प्रेस कर देता हूँ अपने दोनों इंस्टांसेस पर। अब हम क्रिएट करेंगे एक और अपना EFS फाइल सिस्टम, तो वापस चलते हैं AWS कंसोल पे, इसको ऐसे कर देते हैं क्लोज, Amazon EFS, क्रिएट करेंगे फिर से एक और फाइल सिस्टम, तो क्रिएट फाइल सिस्टम, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ अपने फाइल सिस्टम का, तो नाम दूंगा EFS2FS, कस्टमाइज से तो हम अपनी सेटिंग्स को देख चुके, अब हम क्लिक करते हैं क्रिएट ऑप्शन पे, तो ये आपका EFS फाइल सिस्टम हो गया क्रिएट। तो यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है आपके दो EFS फाइल सिस्टम अवेलेबल हैं, ये फाइल सिस्टम हो गया आपका क्रिएट, इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। तो अब मैंने जो फाइल सिस्टम क्रिएट किया है वो है EFS2 फाइल सिस्टम, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा नेटवर्क ऑप्शन में, यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके अवेलेबिलिटी जोन्स जो भी अवेलेबल है। तो अभी आपका फाइल सिस्टम क्रिएट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक हम चलते हैं मैनेज ऑप्शन में। मैनेज में जाने के बाद ये हमारे हो गए IP address सिलेक्टेड, लेकिन इनमें से मुझे कुछ पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है, यू कैन ओनली क्रिएट वन माउंट टारगेट पर अवेलेबिलिटी जोन, यानी कि आप अपने एक अवेलेबिलिटी जोन में सिर्फ एक ही माउंट पॉइंट को बना सकते हैं। वापस चलते हैं अपने
अमेजोन EFS पे, देन जाएंगे फाइल सिस्टम्स में, सिलेक्ट करेंगे अपना सेकंड फाइल सिस्टम, क्लिक करेंगे फाइल सिस्टम पर, देन हम जाएंगे अपने नेटवर्क में, नेटवर्क में जाने के बाद आपके सामने ये सारे हो गए अवेलेबल, यानी कि आपका माउंट टारगेट हो चुका है क्रिएट। लेकिन यहाँ पर है आपका सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट, तो मुझे यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप को करना होगा चेंज, तो जाएंगे मैनेज ऑप्शन में, मैनेज ऑप्शन में जाने के बाद मेरा जो अवेलेबिलिटी जोन है वो है 1C, तो 1A को मैं कर दूंगा रिमूव, बी को भी रिमूव, सी को रहने देंगे, डी को रिमूव, ई को भी रिमूव और एफ को भी कर देंगे रिमूव। सिक्योरिटी ग्रुप आपको यहाँ से चेंज करना होगा, तो सिक्योरिटी ग्रुप मैं यहाँ पे लूंगा अपना SG EFS, देन क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे, तो ये आपका अवेलेबल है, बाकी डिलीट हो रहे हैं, इसको थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। माउंट पॉइंट्स हो गए आपके डिलीट, सिर्फ अवेलेबल है 1C, तो इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अब मैं इस EFS फाइल सिस्टम को कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर आपको बताना था कि अगर हम डायरेक्ट क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें कैसे उसे मैनेज करना है, तो फिलहाल मैं इसे करूँगा डिलीट विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम्स में जाके, सेलेक्ट किया, देन क्लिक करेंगे डिलीट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम की आईडी देनी होगी जो मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, देन कंफर्म, तो ये मेरा डिलीट हो रहा है माउंट टारगेट फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम मेरा डिलीट हो गया, इसको कैसे कर देते हैं क्लोज। फिर से क्रिएट करूँगा एक और फाइल सिस्टम को, तो क्रिएट करते हैं फाइल सिस्टम। अब मैं इस फाइल सिस्टम का यहाँ पे नाम देता हूँ EFS FS सिंगल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मैं क्लिक करूँगा कस्टमाइज ऑप्शन पे, क्योंकि मुझे इसे अपना सेकंड लैब सेटअप करना है, तो कस्टमाइज किया। अब मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा 1 Zone, और मेरा 1 Zone क्या है, 1C, जहां पर मैंने अपने 2 instances को क्रिएट किया है। बाकी ऑप्शन को मैं रहने दूंगा डिफॉल्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो देखिए यहां पर आपको मिल रहा है सिर्फ आपका सिंगल अवेलेबिलिटी जोन 1C, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप आपका है डिफॉल्ट, तो इस सिक्योरिटी ग्रुप को हम करेंगे चेंज, तो इसे यहां से कर देता हूं क्लोज। सिक्योरिटी ग्रुप है मेरा SG EFS के नाम से, देन नेक्स्ट पे क्लिक करा, बाकी ऑप्शन मैं रहने दूंगा डिफॉल्ट, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर, देन क्रिएट। तो ये मेरा फाइल सिस्टम हो गया क्रिएट, तो क्लिक करा अपने फाइल सिस्टम पे, क्लिक करेंगे अटैच ऑप्शन पे। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से माउंट वाया IP, तो इस कमांड को हम करेंगे कॉपी, कॉपी किया, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे अपने उस कमांड को, माउंट पॉइंट था मेरा /EFS3, एंटर किया, तो ये मेरा माउंट हो गया। चेक करते हैं CD/EFS3 नाम की डायरेक्टरी में जाकर, कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टच कमांड, टच 1 से लेके 4 तक फाइल्स क्रिएट करता हूँ, एंटर किया, फाइल्स क्रिएट होगी, LL कमांड को एग्जीक्यूट किया, सेम कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने दूसरे इंस्टांस में जो कि मेरा सेम अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है, तो वापस चलते हैं कमांड को कॉपी करने के लिए, कॉपी किया,
पेस्ट किया, यहाँ पर जो मेरी डायरेक्टरी वो थी /efs4, एंटर किया तो आपका माउंट हो गया। चलते हैं उस डायरेक्टरी में efs4 नाम की, ll कमांड को एग्जीक्यूट किया तो डाटा आ गया यहाँ पर आपका। तो इस तरीके से हम अपने सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो भी इंस्टांसेस अवेलेबल हैं उनके लिए भी हम efs फाइल सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। वापस चलता हूँ अपने AWS कंसोल पे। तो अभी मैंने यूज़ किया माउंट वाया IP का यूज़ करके, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ US East 1C, क्योंकि मैंने चूज़ किया था US East 1C सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। इसको ऐसे कर देता हूँ क्लोज। होप सो आपको ये प्रैक्टिकल क्लियर हो गया होगा। एक बारी मैं आपको दोबारा इसका सिनेरियो समझा देता हूँ, तो उसके लिए Ctrl+L की प्रेस कर देता हूँ दोनों इंस्टांसेस पे। तो इस केस में मैंने एक लिया एक रीजन, इस रीजन के अंदर मैंने यूज किया सिंगल अवेलेबिलिटी जोन को, इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मैंने EC2 इंस्टांसेस को क्रिएट किया और अपने EFS फाइल सिस्टम को क्रिएट करने के बाद मैंने सिर्फ इन्हीं इंस्टांसेस के अंदर जो कि मेरे सेम अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है इंस्टांसेस, उन्हीं के अंदर मैंने इसे कर दिया माउंट। अगर आपके पास और कोई अवेलेबिलिटी जोन है तब भी आप अपने इस EFS फाइल सिस्टम को अपने डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास EFS के दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि आपके पास एक रीजन है, इस रीजन में आपके पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है, हर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस हैं और इन सभी इंस्टांसेस को आप एक कॉमन EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो है कि आपके पास एक रीजन है, इस रीजन के अंदर आपके पास एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन है, इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस हैं, इन सभी EC2 इंस्टांसेस को आप अपने एक सिंगल EFS फाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो दोनों लैब्स मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा दी कि आप इस सेट लैब को कैसे सेटअप करेंगे और इस लैब को आप कैसे सेटअप करेंगे। अब मैं इस सारी लैब को कर देता हूँ डिस्ट्रॉय। तो उसके लिए चलते हैं वापस अपने AWS कंसोल पे। सबसे पहले हमें इंस्टांसेस को करना होगा टर्मिनेट। तो इंस्टांसेस पे गया, सिलेक्ट किया अपने सभी इंस्टांसेस को, देन जाएंगे इंस्टांस स्टेट में टर्मिनेट इंस्टांस। देन क्लिक करेंगे टर्मिनेट ऑप्शन पे, तो इंस्टांस आपके हो गए शटिंग डाउन। शटिंग डाउन के बाद ही होंगे ये टर्मिनेट। रिफ्रेश करता हूँ उसको, यहाँ से इंस्टांस हमारे टर्मिनेट हो रहे हैं। तो अब तक हम चलते हैं अपने EFS फाइल सिस्टम पे, जाएंगे फाइल सिस्टम्स में और अपने दोनों फाइल सिस्टम को मैं कर दूंगा डिलीट। तो सिलेक्ट किया डिलीट, यहाँ पर आपको देना होगा आपके फाइल सिस्टम का नेम। तो मैं फाइल सिस्टम के नाम को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, कंफर्म, डिलीट हो रहा है। सेकंड को भी ऐसे ही डिलीट, कॉपी करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, कंफर्म किया तो आपका माउंट पॉइंट एक डिलीट हो गया, सेकंड आपका हो रहा है डिलीट, दोनों फाइल सिस्टम हो गया आपके डिलीट। तो वापस चलते हैं EC2 कंसोल पे, टर्मिनेट हो चुके। अब हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप को भी कर देंगे डिलीट। तो सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया था
सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन में जाके तो ये आपका यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल है, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। तो सिलेक्ट किया, एक्शन में गया, लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप्स, डिलीट किया तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप हो गया डिलीट। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। इसके बाद हम जाएंगे EC2 डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें डिलीट करेंगे अपने की पेयर्स को। तो की पेयर में गया, सेलेक्ट करेंगे अपने सभी की पेयर्स को, एक्शन में गया डिलीट, यहाँ पे कंफर्म करेंगे डिलीट टाइप करके, डिलीट कीपर्स आपके डिलीट हो गए। वापस चलेंगे EC2 डैशबोर्ड में, तो इंस्टांसेस अभी आपके 4 अवेलेबल हैं, तो इंस्टांसेस लेकिन आपके टर्मिनेटेड, इनको यहाँ से जाने में कुछ समय लगेगा। आज हमने सीखा कि हम EFS फाइल सिस्टम को अपने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में और एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में कैसे माउंट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।